sounding, but a lion's roar is very deep and louder. Well, this is because of pitch. So today I'm going to be talking about pitch and loudness, these two characteristics of sound. First of all, what is pitch? Pitch distinguishes between shrill and grave sound. Pitch एक होता है, difference का होता है जो shrill and grave sound होता है. हाँ, shrill and grave sound केरा sound है. Shrill sound वो होता है जिसकी thin sound होती है. आई जो को high frequency produce करता है. जी तो birds होती है, cat होती है या बोलने चीज़ की voice होती है, उन्हें जी high frequency होती है. तो उनका ऐसा shrill sound चलता है. पहली इयर खबर हुई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आ ही चाह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड असाने डेली बेसिस पे थी है वो किए थे अगर साउंड फील करना सी तो से खबर पड़ी थी है नहीं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बस मथे पहाड़ी इलाके ते हुंदा सी या किथे हुंदा सी मथे के बिल्डिंग ते हुंदा सी सब तेज गनंदा सी तसन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थी नहीं वो किए थी जो साउंड जो वो डिफरेंट सरफेस से स्ट्राइक कर दो वो थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एक तो माय नेम इज आयरी फातिमा एंड आई एम फ्रॉम ग्रेड मैट्रिक अजमा कांगे SHM के बारे में बताइए. SHM जो शॉर्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन से. सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने का पे असि पीरियडिक मोशन से ध्यान दियन बोलिए तो पीरियडिक मोशन है. पीरियडिक मोशन वो मोशन है जैमें एक शेड़ी रोटेशन एक रेगुलेशन अगेन एंड अगेन रिपीटेशन से. जी हाँ असो फेन है ये बेस्ट एग्जाम्पल है पीरियडिक मोशन जो फेन है एक जगह से एक एक्सिस से रोटेट तो करें अगेन एंड अगेन. इनका पे तो असो SHM. SHM में असा वाइब्रेटरी मोशन भी यानी ऑसिलेटरी मोशन के पढ़ा वह बॉडी जी में वह मोशन जो टू एंड फ्रो में मोशन करें टू एंड फ्रो वाले एक्सिस के होने में एक्सिलेशन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट से हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट वह होंगी है जैमें मतलब असो प्रोपेजम डाल लाइट जो स्ट्राइक थी वो सेवन कलर में जो थी एक्चुअल लाइट जो होंगी है वाइट कलर होंगी है. हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द पार्टिकल्स मूवमेंट जरिए असा खबर है जैसे टेम्परेचर हाई हों जी इतने सन ठाया हाँ ही पार्टिकल्स है इन पार्टिकल्स में सन जो है काइनेटिक एनर्जी पे तो ये ऑलरेडी मोशन में तो इनके जैसे साउंड वेव रिसीव थी है तो उनके एफर्ट्स कौन लगाना पड़ा उ जल्दी स्पीड से उनके साउंड के ट्रेवल करा चाहता है. हाउ साउंड इज प्रोड्यूस हाँ एग्जाम्पल खड़ना कंसीडर कियो फास्ट मूविंग कार चाल आवाज बुद्धि बिल्कुल आवाज यू कैन हियर द साउंड ऑफ मूविंग कार जैसे मतलब खूब ऑब्जेक्ट यो का याद रख जो का ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो तो साउंड प्रोड्यूस कर जैसे हाँ बुधा जैसे कार हल्दी तो जो मोशन में होती तो वो साउंड